नाम नहीं लूंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस. इट्स अ रिएक्शन चैनल. दे रिएक्ट टू अदर यूट्यूबर्स वीडियोस. द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय सनग्लासेस. आई एम टीचिंग देम. और वो लाइक दिन में 3 वीडियोस डालते हैं. यस, यू हर्ड दैट राइट. दिन में 3 वीडियोस. एंड इट्स ऑल जस्ट लाइक वॉचिंग द वीडियो पीसफुली सिटिंग ऑन देयर बेड एंड लाफिंग एट इट. दे हैव ओवर 200K सब्सक्राइबर्स. सो यू आर टेलिंग मी मैंने अभी तक जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स के फनी क्रिएटिव कॉमेडी वीडियोस देखे हैं और अपने में ही मजे लिए हैं, हंसी हूँ रोई हूँ जो भी, आई शुड हैव पुट अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी एंड रिकॉर्डेड माई सेल्फ वाइल डूइंग दैट. ना, बड़ा बिजनेस लॉस कैसे संभालूं. तो पायल जोन नाम तो सुना ही होगा. आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट हर मिसकंडक्ट्स. इवन मनोज दे रोस्टेड हर. मनोज दे तो बनाता ही नहीं रोज वीडियोस किसी के ऊपर. ही हैज अ टेक्निकल एजुकेशनल काइंड ऑफ चैनल. वो भी खुद को संभाल नहीं पाया पायल जी को रोस्ट करने से. एंड मोस्ट ऑफ देम सेड नॉट टू क्लिक ऑन हर वीडियोस एंड चेक आउट हर चैनल बिकॉज दैट्स व्हाट शी वांट्स. दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू विद हर थंबनेल्स एंड टाइटल्स. ओ, इन केस यू हैवंट हर्ड ऑफ पायल जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस भाई, तू तो जीत गया लाइफ में. सो दिस इज हर चैनल. And these are her videos. Harsh Beniwal is no more. Ujjal aka Techno Gamer is no more. Triggered Insan blocked me on Instagram. Triggered Insan is no more. Everything is wrong with Bindas Kavya. The only thing that's true on her channel. So I did not watch any of her actual videos until this video popped up on my recommendation page. I hate how YouTube algorithm works sometimes. Actually, let me rephrase. I hate how YouTube algorithm works all the time. Now main manungi, I'm guilty, I clicked on the video. Not because of the news though, but because of the entertainment. Because obviously I knew it was not going to be sad. The title and thumbnail is bullshit, so it could just be a great source of entertainment in my otherwise boring day. So now let's get entertained together. बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है जो कि आशीष चंचलानी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी खबर है और बहुत बुरी खबर है. आशीष चंचलानी जो कि एक बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, वो आशीष चंचलानी अब हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों. वो हमें, आपको, हम सभी लोगों को छोड़कर जा चुके हैं भगवान के पास. आशीष चंचलानी की मौत हो चुकी है. इसके पीछे रीजन क्या है, आने वाली हूँ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फेक, वी ऑल नो दैट राइट. बट इवन इफ इट वाज ट्रू, ये जिस तरह किसी की मौत के बारे में बात करी है, पूरी तरह से एक्सप्लेन क्या करोगे? ये कोई टेक्स्ट बुक का चैप्टर क्या जो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से? एग्जाम में लिखना है 10 मार्क्स का आंसर. पिछले एक महीने से आशीष चंचलानी ने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है आशीष सर, वो ही अब इस दुनिया में नहीं है, तो वीडियो कौन बनाएगा? सो हर लॉजिक इज दैट क्योंकि आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में और यूट्यूब में कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो मर चुके हैं. मतलब बंदा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, मतलब मर चुका है, क्योंकि यही तो बस करता है हमारा जनरेशन. तो ऐसा तो मैं भी अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप का हर रोज का गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज का हर वक्त रिप्लाई नहीं करती, तो मेरे फैमिली भी सोचते होंगे कि मैं मर गई. नहीं थी अपने YouTube चैनल पे, वीडियोस नहीं डाल रही थी. काफी सारे लोगों ने जो है वीडियोस बनाना शुरू कर दिया कि पायल जोन मर गए, पायल जोन मर गए. वो सारी की सारी वीडियोस फेक हैं, उन वीडियोस पे बिल्कुल भरोसा ना करें. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं तो बोलूंगी कि मैं सामने से मैं बोलूंगी कि बनाते हो, जितनी हो सकती है उतनी वीडियोस बनाओ मेरे ऊपर. 10-20-40 वीडियोस का पूरा अपना चैनल मेरे को डेडिकेट कर दो. कोई उम्मीद नहीं रह गई अब किसी से, मेरे को उम्मीद नहीं रह गई है कि यूट्यूब पर कोई अच्छे कॉन्टेंट को सपोर्ट करेगा. इनका कॉन्फिडेंस तो भाई अलग ही लेवल में है. ये खुद उल्टा सीधा अपने वीडियोस पे छाप रही है और फिर जब दूसरे वही चीज इनके ऊपर कर रहे हैं, देन शी इज गेटिंग एनॉयड एंड एंग्री. और ऐसे डायलॉग्स भाई, यूट्यूब पे कोई अच्छे कॉन्टेंट को सपोर्ट नहीं करता. हाँ एकदम, बात तो सही है, बट आउट ऑफ ऑल द पीपल मेकिंग कॉन्टेंट, आई डोंट थिंक यू हैव द राइट टू से दैट. इन वन ऑफ हर वीडियोस शी सेड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट हु मेक सच वीडियोस ऑन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, लाइक ये एक्टर मर गया एक्सीडेंट में. एंड अकॉर्डिंग टू हर, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है उनके लिए तो दुनिया भर की ऐसी वीडियोस बनी हुई है. कोई चीज पहले से यूट्यूब पर मौजूद है तो वो गलत नहीं हो. तो मतलब ऐसी कोई बकचोदी दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये गलत नहीं है. दूसरा कर रहा है तो मैं भी करूँगी. इनकी माँ ने इन्हें बचपन में कभी वो तेरे दोस्त आग में कूदेंगे तो तू भी कूदेगा क्या, ये वाली डायलॉग नहीं दी थी क्या? आई हैव वॉच्ड अ फ्यू ऑफ हर वीडियोस एंड बेसिकली व्हाट शी डज इज, ये वीडियो के शुरुआत में ये जो भी क्लिकबेट थिंग है उसके बारे में थोड़ा बोलती है कि गाइस मेरे पास अभी ये ताजा खबर आई है कि ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर मर चुका है. मेरे बहुत ही ट्रस्टेबल न्यूज सोर्स, मेरे गली के चाय की दुकान की रामू काका से मुझे खबर मिली है. ये सब चुपचापा के बाद ये कुछ और ही चीज के बारे में बात करना शुरू करती है, मोस्टली अबाउट हाउ दीज अदर बिग यूट्यूबर्स आर रोस्टिंग हर एंड हाउ शी डजंट गिव अ फक. एंड देन बाय द एंड शी एडमिट्स दैट द टाइटल एंड द थंबनेल इज ऑफ कोर्स क्लिकबेट. शी डिड इट बिकॉज उनको लोगों की अटेंशन चाहिए थी, क्योंकि अच्छे नॉर्मल कंटेंट पोस्ट करने से अटेंशन नहीं मिलती. पायल जी,
मिल गई आपको सबका टेंशन, अब बनाइए कुछ अच्छा सा कंटेंट, कुछ अब डालिए, आई एम श्योर द ऑडियंस विल अप्रिशिएट इट। आई टुक अ डीप डाइव इनटू हर चैनल टू सी हु वाज द फर्स्ट फॉर्चुनेट पर्सन ऑन हुम शी मेड अ इज नो मोर वीडियो, एंड सैडली इट्स दिस वीडियो, माय बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर। आई एम नॉट ट्राइंग टू जोक अबाउट दिस बिकॉज आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, द कमेंट्स आर टर्नड ऑफ एंड अनलाइक अदर नो मोर वीडियोस, इस वीडियो में शी डिडंट से इट्स अ क्लिकबेट और शी डिड इट फॉर अटेंशन। पूरे वीडियो में शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ अमेजिंग हर बेस्ट फ्रेंड वाज व्हाइल एक्चुअली क्राइंग, सो इट एब्सोल्युटली कैन बी ट्रू, बट the fact that she made a YouTube video about her best friend's death, like aise piche whiteboard mein aise likh ke, aisa ek thumbnail bana ke, she recorded herself crying and talking about her best friend's death and then uploaded that on YouTube, that alone is pretty fucked up to me. But I guess it's just, I don't know, different people have different ways to cope with grief and maybe it's her way. And then she saw that this kind of video is profiting her, so she started making more of such videos on big YouTubers. But sabhi YouTubers jo bhi Pal ko roast kare, they're mostly talking about the bad points of her, which she seems pretty pissed about. मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन लगातार मेरी बुराइयों को कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे और मेरी कोई भी अच्छी चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। Because I consider myself as unique. And also because I believe it's bad to only shine light upon someone's negative points, I'm going to talk about some good points that I noticed in Pal. Number one, she has great speaking skills. ये कैमरा ऑन करने के बाद जो बात करना चालू करती है, एकदम दिल की सारी भड़ास निकाल के फिर रुकती है और बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लेती। देयर आर नो जंप कट्स और एनी एडिट्स इन द मिडल ऑफ द होल वीडियो, जस्ट हर टॉकिंग हर हार्ट आउट। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पावर। मैं तो कभी भी नहीं बक पाऊंगी इतना स्ट्रेट फॉर लाइक 15 मिनट्स। माय वर्ड्स गेट जंबल्ड अप व्हेन आई हैव टू मेनी थिंग्स ऑन माय माइंड एंड आई ट्राई टू स्पीक टू मच। अगर तुम मेरे अनएडिटेड वीडियो क्लिप्स देखते, ओनली देन यू वुड हैव नोन हाउ मेनी टाइम्स आई रिपीट वन सिंगल सेंटेंस। पायल जी की जय हो। नंबर टू, her strategy is great. She has cracked the code as to how to use big YouTubers' names on her videos ताकि उनके बड़े से audience इनके videos देखने आए और अच्छा खासा views और engagement देखे जाए. It's quite similar to what Dhinchak Pooja is doing. You see this like and dislike ratio? It doesn't fucking matter because she is getting the huge number of views anyway and her videos are getting picked up by the YouTube algorithm and being recommended to other people anyway. You see this huge amount of comments? This is skyrocketing her audience engagement no matter what the comments say. So she is smart and you can't deny it. And three, she used to post educational videos before doing this shit. Ho sakta hai un videos se she didn't get the views and fame she was trying to get. So unke dimag mein thoda maybe it's just a mental breakdown because of that. It's a phase that she's going through and maybe she will soon grow out of it and start making educational videos again. बट इनका ये वीडियो बनाने का तरीका जो व्यूज खींच रहा है, ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रेटजी दैट शी हैज टॉट मी, आई एम विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद इट। और सच में एज पायल जोन वंस सेड, यूट्यूब पे अच्छे कॉन्टेंट की कदर नहीं। लाइक सीरियसली, Simon says still hasn't reached 1 million subscribers. Payalzone is right. Nude boy था, nude boy ने, nude boy ने. हेलो गाइस, मैं हूं मानी और मैं आज ये वीडियो बना रही हूं इसलिए क्योंकि मेरे हाथ एक बहुत ही गर्मा गर्म खबर लगी है, मोर गर्म देन द समोसास मेड बाय योर दादी। और ये गर्मा गर्म खबर ये है कि पायल जोन, जो कि यूट्यूब में बहुत ही होलसम वीडियोस बनाते हैं, वो मर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पायल दीदी फ्रॉम पायल जोन, द ओनली जोन दैट इज वर्स देन फ्रेंड जोन, शी इज नो मोर। वो हमें और इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने अपने पीछे भी ये हेडलाइन अपने बुरी हैंडराइटिंग से लिख के लगा के रखा है, बट इन केस यूर ब्लाइंड मैं ये सेंटेंस और 15 बार बोलूंगी, पायल जोन मर चुके हैं, शी इज नो मोर, उनका देहांत हो चुका है, शी इज नॉट लिविंग ऑन दिस प्लैनेट एनीमोर और एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर। व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे एंड ट्राइंग टू हिट दैट 500 वर्ड काउंट, ये खबर देते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रही है। मतलब मैं तो एकदम सदमे में चली जा रही हूँ। टिकटॉक बैन हो जाने के बाद पायल जोन ने ही तो इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर किया। फॉर ऑल द रोस्टर्स एंड कमेंट्री चैनल्स टू कम टुगेदर अगेन एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट समथिंग, द रोस्टिंग कम्युनिटी विल मिस हर ग्रेटली। मुझे ये खबर मेरे बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से मिली है, मेरा संदेशा लाने वाला कबूतर, उसको मैं लोगों के घर के ऊपर उड़ाती हूँ स्पाई करने के लिए, और पायल के घर के ऊपर भी भेजी थी जिससे मुझे ये न्यूज मिला। ऑल दो वो भी मर गया लगता है, दो दिन से कोई संदेशा नहीं आया। पायल की डेथ कैसे हुई ये मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इनकेस ये आपके नेक्स्ट डिबेट कम्पिटिशन पर टॉपिक बन के आए। पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो बताना चाहूंगी वो ये है कि YouTube पे हार्ड वर्किंग क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स को कदर क्यों नहीं मिलती, वो नहीं वायरल जाते, उनके सब्स नहीं बढ़ते, रिएक्शन चैनल्स को ज्यादा सब्स मिलते हैं, उनको ज्यादा सब्स मिलते हैं जो रोस्टिंग और कमेंट्री के नाम पे बस वीडियो चला के उनके ऊपर हंसते हैं। YouTube इज बुलशिट, YouTube एल्गोरिथम इज बुलशिट, फक यू YouTube एल्गोरिथम। आप लोग को अब तक तो पता चल ही चुका होगा, आई मीन हमेशा से ही पता था ये फेक है, ये बस क्लिकबेट है। पायल जोन बिल्कुल जिंदा है क्योंकि वो अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रही है वेरी कंसिस्टेंटली, अनलाइक आशीष चंचलानी, वो अपने ऑडियंस के लिए
केयर करते हैं एंड ही इज डिटरमाइंड टू पुट द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल आउट देयर। इट लुक्स लाइक वो अभी अपने चैनल को रिएक्शन चैनल बनाना चाह रही है। पायल ने यशराज मुखाटे के सॉन्ग को बेकार बोला, वेल आई टुक दैट पर्सनली। और ऐसे क्लिकबेट वीडियोस बनाने के लिए अगर कोई मुझे रोस्ट करना चाहता है तो बिल्कुल करो प्लीज, आई डोंट गिव अ फक, बिकॉज ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, आई नो दैट बिकॉज आई एम स्मार्ट। तो दोस्तों ये वीडियो इतना तक ही। सब्सक्राइब टू पायल जोन टू गेट योर ब्रेन ड्रग्ड एंड सब्सक्राइब टू मानी हियर फॉर द रीहैब। आई नीड टू गेट अ थंबनेल। Is that a good thumbnail? मतलब मैं तो एकदम सदमे में।